उसको नस्ल वाली चीज़ जो है उसमें जो है बच्चा जो है वो अच्छा जो है अच्छा देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान बुरगली है, मैं मीरपुर खास से आगे कुनरी शहर है उसके साथ ही मेरा फार्म है और मैंने ये कांकरेज गाय जो है 15-16 साल से पाली हुई हैं और इनकी नस्ल की अफजाइश कर रहा हूँ और इनके इन पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो अच्छी ब्रीड बनती जा रही है और अच्छी ब्रीड बनी है, दूध में भी अच्छी आ रही है और खूबसूरती में भी अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह ये जो मेरे पास कांकरेज हैं ये बिल्कुल प्योर कांकरेज हैं। ये जो बन यहाँ पर हमारे सिंध में नंगर पारकर में आई थी बनासकंठा से आज से 50-60 साल पहले तो उसी प्योर ब्रीड में से मैंने जो है वहाँ से ख़रीदी थी 15 साल पहले और इसको अभी मज़ीद जो है इस पर काम कर रहा हूँ और उसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आपने कॉन्क्रीट ब्रीड का नाम सुना है और आपने एहसान बुरगड़ी का नाम नहीं सुना तो आप इस फील्ड में न्यू हैं। जी हाँ, मेरे साथ कॉन्क्रीट ब्रीड के किंग ऑफ पाकिस्तान एहसान बुरगड़ी खड़े हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि इस सफ़र में इनको कितनी दुश्वारियाँ पेश हुई और इन्होंने कितना टाइम लगाया इस फील्ड में कि आज इन्होंने माशाल्लाह 100+ कॉन्क्रीट काउस का हर्ड बनाया और पाकिस्तान के नंबर 1 कॉन्क्रीट फार्मर ये बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा एहसान भाई, ये थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि आपने ये इतनी काउस कैसे कलेक्ट की और कितना टाइम लग गया आपको। शान आ गया हो हसन भाई, मेरे को 15 साल हो गए। ठीक है, तो मेरे को मैंने नंगर पारकर में घूमने के लिए गया तो मैंने ये कांकरेज काय काऊ वहाँ पर देखी। ठीक है, इनका मुंह और सींग और इनकी खूबसूरती मेरे को बहुत अच्छी लग गई, इनसे दिल लग गया तो वहाँ से मैंने खरीदना शुरू की। ठीक है, और जो अच्छी और नस्ल वाली गाय थी वो मैंने खरीदना शुरू की और थोड़ी खरीदी थी तो अल्लाह ने बरकत डाली, काफ़ी मैंने पता नहीं कितनी जो है दोस्तों को शौक करवाया है, दी हैं और अल्लाह का शुक्र है अभी भी बहुत खड़ी हैं और जो है इनके बुल वगैरह में अच्छे छोड़ता आ रहा हूँ और इसके नस्ल को ज़्यादा प्योर और ज़्यादा आगे से भी पहले से भी बेहतर करता आ रहा हूँ। अच्छा सर, पहली काऊ जो आपने खरीदी थी आज से कितने साल पहले खरीदी थी और कितने की खरीदी थी? वो मैंने खरीदी थी 2007 में। 2007 वो अभी तक मेरे पास खड़ी हुई है। ठीक है, और वो गाय जो है मैंने खरीदी थी उस टाइम 2 लाख रुपए की। ठीक है, पहली गाय, और वो जो एक मेहरान पोटा है सिद्दीक उससे खरीदी थी, उस गाय का नाम है गांडी और वो मैंने रात को 1 बजे तक उसके पास बैठा था, 1 बजे जाकर उसने मेरे को गाय दी। उसके मैं दोस्त वगैरह लेकर गया था और सारा दिन हम लगे हुए थे, रात को फिर 1 बजे हमारा सौदा हुआ, वो गाय उसने दी जो है मेरे को। अच्छा, अब उस गांधी की मार्केट कितनी होगी इस दौर के अंदर? अभी वो गाय तो काफ़ी बड़ी हो गई है, उसके मैंने काफ़ी बुल भी बेचे हैं। ठीक है, और उसकी जो है दो एक दो फीमेल भी कोई ऐसे दोस्त आ गए जिसको मेरे को भी देनी पड़ी मजबूरी में और वो मैंने दी, अभी उसकी खड़ी भी मेरे पास 8-10 हुई हैं, उससे जो है निकली हैं 6-7 उसकी बेटी की, 7-8 जो है। अच्छा, हुई है।
अच्छा सर, आप वो अपनी गांधी जो गाय है आपकी सबसे पुरानी या फर्स्ट का, वो आप दिखा सकते हैं मंगा के, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि आपको वो कैसे पसंद आई और आपने क्या उसमें पॉइंट्स देखे, और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसके पॉइंट्स भी बताइएगा उसी गांधी काओ के अंदर, कि कॉन्क्रीट के जो नए फार्मर्स हैं वो कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छी काउस कैसे परचेज कर सकते हैं। ये गाय आ रही है तकरीबन 8-9 दफा बच्चे दिए हैं इसने। अच्छा, और उससे पहले भी ये चार पेट ब्याई हुई। अभी भी ये प्रेगनेंट, इससे पहले अभी इसके नीचे फीमेल है। अच्छा, और इसकी एक बड़ी फीमेल भी है हमारे पास, एक दो है। सही सही। अच्छा सर, कॉन्क्रीट काउस में किस तरह शौक देखा जाता है या अच्छी काउ कैसे सेलेक्ट करते हैं? इसके देख कान बड़े हो, मुंह इसका छोटा हो, ठीक है, इसकी जो चमड़ी है वो ढीली हो, ठीक है, और इसके जो सींग हैं जितने भी भारी हो, मोटे हो, तो वो बेहतर लगते हैं। अच्छा लगते हैं। अच्छा, लंबे सींग होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए या बिल्कुल करीब होने चाहिए, इसमें क्या? नहीं, ये जो इसके सींग है बिल्कुल बेहतर है, इनसे भी थोड़े मोटे हों, जैसे इसके सींग है, ठीक है, ये इससे भी बेहतर है। अच्छा अच्छा सर, ये अग्रेसिव क्यों है, इतनी खूनखार क्यों है? ये अग्रेसिव नहीं है, ये बहुत प्यार करने वाली है, इसे इनके सींग देखकर हर कोई खामखाई डरता है इनसे। अच्छा, ये गाय जो है ना लात मारेगी, ठीक है, ना हरूभरू किसी को मारेगी, ठीक है, ये जो इसका जो इसको जो बहुत प्यार करने वाली गाय है। अच्छा, इसको जो चराता है उसके लिए तो ये पता नहीं, उसके उस पर ये अपनी जो है जान देने वाली गाय है जो चराता है, इसका जो मालिक है जो चराता है इसको जंगल में, उसके लिए ये जान देने वाली गाय है, और ये जो चराएगा उसको इतना इसका शौक हो जाएगा। एक गरीब गरीब आदमी है, उनके पास जो गाय होती है अच्छी गाय, वो देने के बड़े बड़े पैसों में नहीं देते, ठीक है, उनसे चरती भी नहीं है, उनके पास बेचारी बेहाल हो जाती है, लेकिन वो देने के लिए उसको मोहब्बत ही इतनी देती है वो गाय, वो देते ही नहीं है गाय। अच्छा सर, इस गाय का वजन कितना होता है अमूमन तौर पे, एक अच्छी जैसे बड़ी गाय है, जायंट किस्म की, बड़ी फुल साइज में? इसका 12-13 मन तक, 12-13 मन। और इसमें जो बच्चे देने की सलाहियत है, साल में एक ही बार बच्चे देती हैं या? जी हाँ, साल में ये एक बार जो है इंशा दे देती है, साल से पहले दे देती है, साल से पहले पहले दे देती है। अच्छा, इसमें बीमारी से लड़ने की कितनी सलाहियत होती है? ये बहुत मजबूत गाय है, इनमें बीमारी जल्दी नहीं आती, नहीं आती है। अच्छा, अमूमन तौर पर अगर इनमें बीमारी कोई आती है तो वो कौन सी बीमारी आती है इनमें? इसमें अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बीमारी, हर गुरु कोई बीमारी आती नहीं, आती नहीं है, हर गुरु कोई आती नहीं है। हम FMD वगैरह आती है उसकी वैक्सीन कर देते हैं, FMD BQ है उसकी वैक्सीन वगैरह कर देते हैं, लेकिन इसकी मजबूत है, FMD की भी उनको हर गुरु परवाह नहीं होती है। अच्छा सर, वैक्सीनेशन आप खुद करते हैं, डॉक्टर्स मंगाते हैं? नहीं, हम खुद करते हैं वैक्सीनेशन। अच्छा, तो वैक्सीनेशन आप खुद करके, तो वैक्सीनेशन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या प्राइवेटली आप लोग परचेज करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। वैसे आप परचेज भी करते हैं? परचेज भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अभी 2 साल से FMD की वैक्सीन भी कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है, बाकी भी वैक्सीनेशन दे रही है। अच्छा सर, आपसे बाकी पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में या कौन कौन से सूबों को फ़ायदा हुआ है? जैसे आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कॉन्क्रीट की नस्ल इतनी बढ़ाई और माशाल्लाह इतना बड़ा फार्म किया, तो आपके बाद कितने लोगों ने, आप समझते हैं, और कौन कौन से शहरों से स्टार्ट किया? फैसलाबाद के कुछ दोस्त थे, वो कुछ छोटे बच्चे लेकर गए थे, ठीक है, और उसके बाद ये सादकाबाद और रहीम यार खान इस तरफ के थे, वो भी कुछ लेकर गए, ठीक है, और बाकी जो सिंध में है तो वो तो काफ़ी जो है लेकर गए, ठीक है। अच्छा, आपके बाद कौन से ऐसे शौकीन हैं, ऐसे 5 शौकीनों के नाम बताएं जिनके पास कॉन्क्रीट की अच्छी क्वालिटी भी है और अच्छी क्वांटिटी भी है, हर्ट भी अच्छा है, और मुकद्दर शाह है उमरकोट के पास, ठीक है, उसके वो भी कोशिश कर रहा है, उसके पास भी अच्छी गायें हैं, ठीक है। उसके बाद गुलाम अहमद जुने जो है थर में, ठीक है, उसने कुछ थोड़ा टाइम हुआ है लिए, उसने 4-5 गाय मेरे से भी लिए हैं, 5 यानी कि 7-8 गाय लिए हैं, ठीक है, और बाकी भी उसने अच्छी अच्छी गाय ली है। अच्छा, और मीर मोहम्मद मेहरान पोटो है उसके पास है, सिद्दीक मेहरान पोटो है उसके पास भी अच्छी गायें हैं, और रायब शोरो है उसके पास भी अच्छी गायें हैं। अच्छा अच्छा सर, इनमें दूध देने की कितनी सलाहियत होती है? दूध इसमें 15 से 20 लीटर तक, 15 से 20 लीटर तक। अच्छा माशाल्लाह, अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, एक अच्छी गायें जैसे कितने तक की मालियत में मिल जाती है? ये जो इनको समझता है जो नस्ल वाली गाय है वो तो महंगी है, बाकी नाम की कॉन्क्रीट गाय तो 3 लाख में 2.5 लाख में भी मिल जाती है, बाकी जो नस्ल वाली गाय है जिनके बुल छोड़ते हैं
ब्रीडिंग के लिए जो ब्रीडिंग बुल देने की सलाहियत रखती है वो गाय 10 लाख में भी मुश्किल से मिलती है। 10 लाख में भी मुश्किल से मिली। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा एहसान भाई थोड़ा सा आगे मूव करें ताकि हम आप बैकग्राउंड में दिखाएं खूबसूरत मनाजिर ये माशाल्लाह से जो आपके फार्म के हैं इतनी ज़बरदस्त। अच्छा आप ये बताइए कि आप डाइट में इनको क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं, खुराक में क्या खिलाते हैं? इसको घास वगैरह देते हैं, ठीक है, और सादा जो अपना देसी जो दाना है जी जी, गंदम का दलिया हो गया, राइस पॉलिश हो गई, ठीक है, और ये देते हैं, यही चीज़ें देते हैं। अच्छा इसके अलावा आप क्या मैसेज देंगे, पूरी दुनिया से लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, खास तौर पे इसकी ब्रीडिंग के हवाले से, या ये हम ब्रीड कैसे पाकिस्तान में आम कर सकते हैं? ये ब्रीड अभी ये ब्रीड जो है इसको बेहतर भी कर सकते हैं, इनके जो है ब्राज़ील से अगर हम सीमन वगैरह मंगवा कर, ठीक है, उसकी उसमें से इसको ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं और इसको पालें। ये बहुत अच्छा ब्रीड है, जो विलायती जो पाल रहे हैं इनमें बहुत बीमारियां मैंने भी रखी हुई थी, ठीक है, और वो उनमें काफ़ी किस्म की बीमारियां, ये बहुत मजबूत हैं जानवर और इनकी जो है ग्रोथ बहुत है, बहुत है। अच्छा, ये थोड़े खर्चे में जो है चल जाती है, थोड़ा कम खर्चे में पल जाती है, यानी गरीब बंदा भी ये पाल सकता है। बिल्कुल। अच्छा ये ज्यादातर गरीब बंदों के पास, अच्छा ज्यादातर ये गरीब बंदों के पास ही होती है, यानी गरीब की गायें भी से कह सकते हैं। अच्छा एहसान भाई, हमें बहुत बड़े सिंगों वाली आपकी गायें दिख रही है, उसको अगर आप थोड़ा सा यहाँ मंगा के दिखा दें और इसके बारे में बताइए, इसकी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि ये इसकी क्या उम्र है, इसके सिंगों की साइज कितना है और ये आपने कब परचेज की थी। तो व्यूअर्स आप माशाल्लाह इनका हर्ड देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत हर्ड है। अब एक इकाओ हमने मंगाई है जो कि एहसान भाई से इसकी डिटेल्स देंगे कि इसकी क्या डिटेल्स हैं और ये कितना टाइम है, इसको यहाँ लेके आओ जी। एहसान भाई इसके बारे में बताइए। ये सही गाय जो है ये भी पुरानी गाय है बहुत, ठीक है, और ये जो इसकी थोड़ी हाइट छोटी है, ठीक है, ये 7वें महीने में पैदा हो गई थी। अच्छा 7वें महीने में पैदा हो गई थी, तो ये छोटी थी, लेकिन इसने जो इसका ब्रीड है वो बहुत आला किस्म का ब्रीड है। इसके जो भी नर होता है वो सारा जो है मेरे से, मैं खुद भी रखता हूँ या कोई ब्रीडर के लिए लेकर जाता हूँ, ब्रीडर के लिए लेकर इसका जो है इसका नर। हाँ, इसके अच्छा। इसके अभी जो मेरे पास जो नर है वो भी इसकी बेटी का है। अच्छा। और मोरी का है, इसकी बेटी एक ये आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अच्छा सर, इसके सींगों का साइज आपको है अंदाजा कितना होगा? इसका सींगों का साइज तो होगा तकरीबन 28-30 इंच के करीब होगा। माशाल्लाह, ये इसकी बेटी है। अच्छा ये इसकी बेटी है जी। हाँ सर, ये तो इससे भी हाइट में लंबी है और जायंट है। ये उस 7वें महीने में पैदा हुई थी। अच्छा, इसलिए इसका, लेकिन ये नस्ल वाली है, तो नस्ल वाली चीज जो है उसमें जो है बच्चा जो है वो अच्छा जो है अच्छा देती है। माशा अच्छा सर, आपका ब्रीडर कौन सा है इनमें, आपने कौन सा ब्रीडर छोड़ा हुआ है? ब्रीडर उस तरफ है, तो वो इस वाली गाय का है, ये काली वाली गाय का है, इसी का ही बेटा जी। हाँ, इसी का। अच्छा, तो आपने भी ब्रीडर इसी में से ही छोड़ा हुआ है जी। अच्छा सर, ब्रीडिंग के हवाले से बताएं, अक्सर यही लोग बोलते हैं कि अपनी काउज में से अगर हम लोग ब्रीडर रखते हैं तो वो 1-2 साल तक सूटेबल होता है, उसके बाद फिर ब्रीडर चेंज कर देना चाहिए। ब्रीडर हम चेंज करते रहते हैं। कितने साल बाद करना चाहिए और आप कितने साल बाद करते हैं? हमने छोटा रख दिया है, ठीक है, तो अभी हम वो करेंगे और जो इसकी जो जिस गाय का है उस पे दूसरे ब्रीडर थे उसको प्रेग्नेंट करवाया है। अच्छा अच्छा, सेम जनरेशन आप कंटिन्यू नहीं करते? नहीं, सेम नहीं करते, आप हर 2 साल बाद ब्रीडर चेंज कर देते हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा जो चेंज नस्ल हो उसमें से रखें, उसमें इन ब्रीडिंग से बचने के लिए। इन ब्रीडिंग। अच्छा माशाल्लाह, ये इसका सर एज वगैरह और इसकी क्या डिटेल्स है इस ब्रीडर की? ये अभी 4 दांत का है। अभी 4 दांत है? 4 दांत। माशाल्लाह। और ये और मजीद सींग बड़े करेगा अपने? बिल्कुल बड़े करेगा, सींग भी बड़े करेगा और हाइट भी इसकी अभी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा सर, आपके अंदाजे में कितना वेट होगा इसका, लाइव वेट कितना होगा इस ब्रीडर का? इसका होगा 12 मन। 12 मन। जबरदस्त। और ये अभी काफी बढ़ेगा, अभी तो ये छोटा है, अभी छोटा है, इसके बच्चे अभी आए हैं पहले दफे। चले एहसान भाई, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, और हमारी दुआएं, नेक दुआएं और आपके साथ हैं, और आपका उम्मीद करेंगे कि आपका फार्म इसी तरह बढ़ता रहे और आप पूरे पाकिस्तान में कॉन्क्रीट नस्ल आम कर सकें, जिससे दूध की जो गजाइत है या इकोनॉमिकल जो बेनिफिट है हमारे मुल्क को पहुंच सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट में। अगर फ़र्ज़ करें कोई नए ब्रीडर्स आपके फार्म पे आते हैं तो क्या आप इनके कॉन्क्रीट के मेल उनको देते हैं या सिर्फ अपने शॉप के लिए? नहीं नहीं, देते हैं, हम देते हैं। चलें एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खुशी हुई, और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं।
तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की कॉन्क्रीट ब्रीड की काउज और बुल्स पसंद आए होंगे। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।